is bacteria and microscopic fungi which we cannot see watch या see by our naked eye. So माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं. इस तरह की स्टडी को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि हमें नेक्ट आई पे नजर नहीं आते उनको हम कहते हैं व्हाट उस स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी. अगर मैं इसको डिफाइन करूंगी तो इट्स वेरी सिंपल द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज बींग यूनिसेलुलर अगर हैं वो एक सेल से अगर बनते हैं वो मल्टी सेलुलर है अगर दो से ज्यादा सेल्स से बनते हैं या इफ दे आर ए सेलुलर ऐसी बॉडीज भी होती हैं which has not a specific cellular structure, which has not a specific cellular body. उनकी कोई जो है कोई physically cell से उनकी body बनती नहीं है, बस कुछ proteins होते हैं, कुछ chromosomes होते हैं, कुछ sugar compounds होती हैं, वो कुछ chemical composition करते हैं और एक fake सी body बना लेते हैं. लेकिन वो fake bodies बहुत ज़्यादा importance रखती है, उसकी बहुत importance होती है. तो उनको भी स्टडी करना इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. फॉर एग्जांपल वी हैव वायरसेस, वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव माइक्रोस्कोपिक फंजाई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलजीज एक्सेट्रा. देखिए गर्ल्स, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो होती है लाइक हाउ, देखिए अगर हम ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ माइक्रोबायोलॉजी अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा तो इससे कोई वजह तो होगी ना, देयर मस्ट बी एनी रीजन. तो रीज़न ये है कि जब हम इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं कि हाउ सेल, हम अगर डीप जाते हैं पॉइंट्स पे जाते हैं एक बॉडी के कि ये बॉडी किस चीज़ से बनी है, ये कैसे वर्क करती, हाउ अ सेल वर्क एंड ये कैसे जो है एक सेल पूरे सिस्टम को रन करता है. सो इन स्टडीज से हम एक बॉडीज के इतनी डीप इंफॉर्मेशन तक जाने में आसानी होती है. फॉर एग्जाम्पल जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर, ये हमें हेल्थ में, ये हमें मेडिसिन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, ये हमें हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. अगर हम इनको स्टडी करें, इनके बेनिफिट्स को अगर हम निकालें तो उससे हम अपने लिए बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को आसान एंड अच्छा बना कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हैंस लकम, मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊँगी, इन शॉर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट to our everyday life. They are very much important in every industry of life. So in short, this time is also short and I have to complete it in time. So first botany, study of plants, zoology, study of animals, and microbiology, study of microorganisms, which has a deep importance. So I think this was enough about these three main divisions. Thank you so very much. Inshallah, in next video I'm going to teach you about the various branches of biology that are